वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू साई विनायक अकाउंट्स क्लासेस और दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इजिएस्ट चैप्टर है वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है एज पर सीबीएसई अप्रोच तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे पहले बात करते हैं वेटेज की तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की टोटल वेटेज है एट मार्क्स और वो एट मार्क्स कैसे आते हैं वन प्लस वन प्लस सिक्स तो सिक्स मार्क एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और बाकी दो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के वन वन मार्क का कैश स्टेटमेंट में तीन ही चीजें हैं पहली चीज है व्हाट यू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये होते क्या हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दूसरा फ्लो के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास कैश आ रहा है इट मीनस इनफ्लो ऑफ कैश है अगर पैसा जा रहा है इट मीन आउटफ्लो और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होता है नो no फ्लो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर हमने मशीनरी खरीदी क्रेडिट पर तो इसके अंदर ना ही कैश आ रहा है ना ही कैश जा रहा है तो आंसर इज नो फ्लो बट अगर मशीन खरीदी कैश में तो इसका मतलब हो गया आउटफ्लो तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में सिक्स मार्कर क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का मतलब है हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैश फ्लो के ऊपर ए एस थ्री रिवाइज ए एस थ्री रिवाइज कैश फ्लो के ऊपर डील करता है और इसके अंदर हमारे कोर्स में कौन सा मेथड है हमारे कोर्स में है इनडायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि आपको तीन एक्टिविटीज बनानी है पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड द लास्ट एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ये मैंने आपको हल्का सा बैकग्राउंड दे दिया कि सर इसके अंदर किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं मेथड कौन सा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है तीन एक्टिविटीज बनानी है कैश का मतलब फ्लो का मतलब अब एक एक के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आपसे बट मुझे आपको इसके अंदर ये बताना है कि इस चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़नी है जहां पे मोस्टली बच्चों को डाउट होता है और बिकॉज उन एडजस्टमेंट्स की वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं तो एडजस्टमेंट है कौन सी अगर मैं पहली एडजस्टमेंट की बात करूं तो पहली एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट है डिविडेंड डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो में थर्ड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है और फोर्थ फोर्थ है हाउ टू प्रिपेयर असेट अकाउंट प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रीसी तो ये चार एडजस्टमेंट्स हैं जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है हमारी फोर्थ वाली तो यहां से हम शुरू करेंगे इन एडजस्टमेंट्स को हैंडल करना एक्टिविटीज का मतलब बताना और चैप्टर दोस्तों है बहुत आसान तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपके साथ असेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनाया जाता है पहले उसको सीखते हैं फिर आएंगे हम सिंपल क्वेश्चंस पे आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू